हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे घातांक के कुछ नियम। क्या दोस्तों? घातांक के कुछ नियम। अगर आप घातांक के नियम पढ़ करके घातांक में हीरो बनना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हमने क्या बताया दोस्तों? घातांक के नियम। है दोस्तों, घातांक के नियम। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूले हैं या जो नियम है, नियम को शुरू करने से पहले आपको हम दो चीजें बताएंगे। पहला क्या दोस्तों? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितनी बार x है? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4। तो हमने एक x लिख दिया और 4x है तो उसके ऊपर हमने 4 लगा दिया। ठीक है, x के पावर 4 लगा दिया। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे सर इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको आधार, यानी इसको हम बेस कहते हैं। आधार कहते हैं या हिंदी में तो आधार कहते हैं, बट उसको इंग्लिश में जो है बेस कहते हैं। अब आपको बताते हैं घातांक यानी घात। घात क्या कहती है दोस्तों? तो घात यह कहती है कि मैं जिस संख्या पर जितनी बार चढ़ी हूं, क्या दोस्तों, मैं जिस संख्या पर जितनी बार चढ़ी हूं वो संख्या उतनी बार आई है। तो क्या दोस्तों? जो x है, x के पावर क्या चढ़ा है दोस्तों? तो x का पावर 4 चढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों? x जो है 4 बार आया है, 1, 2, 3, 4। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। घात यानी घात क्या कहती है? तो घात यह कहती है मैं जिस संख्या पर जितनी बार चढ़ी हूं वो संख्या उतनी बार आई है। तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों, 5 का पावर 2। दो क्या कहती है दोस्तों? मैं 5 के ऊपर 2 चढ़ी हूं, इसीलिए 5 जो है 2 बार आई है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 × 5। यह बात आपको समझ आई घात का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिर एक बात आपको और बताते हैं। ये क्या दे रखा है? x into x into x into x into x। कितनी बार दिया दोस्तों? तो n बार दिया है, तो ये हो जाएगा x का पावर n। क्या दोस्तों? x का पावर n। ये बात समझ में आई? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने घातांक के नियम। क्या दोस्तों? घातांक के नियम। तो हमारा पहला जो नियम है, पहला नियम क्या दोस्तों? x का पावर m into x का पावर n। क्या है दोस्तों? x का पावर m, x का पावर n, जब भी ये इनटू में हो। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है, क्या? तो बेस यानी आधार। जब इसका आधार यानी बेस सेम हो तो इसका जो पावर होता है वो पावर जुट जाता है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? x का पावर m + n। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? योग का नियम। योग का नियम। एक एग्जाम्पल देख ले, तो आइए देख लेते हैं। हमने आपको दे दिया 5 का पावर 2 + 5 का पावर 4। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए? तो बेस आपस में सेम होना चाहिए। जब बेस सेम हो तो उसकी जो पावर होती है, पावर क्या होती है दोस्तों? तो पावर जुट जाती है, यानी 2 + 4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का पावर 6। आइए बात समझ में। तो ठीक है, आई समझ में। आप पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम के पास। तो हमारा अगला नियम क्या है दोस्तों? x का पावर m डिवाइडेड x का पावर n। जब भी डिवाइड में हो तो पावर हमेशा घट जाता है। और आपको एक चीज और देखनी है कि बेस यहां पर हमेशा सेम होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? x का पावर m माइनस n। इसको कहते हैं घटाव का नियम। क्या दोस्तों? घटाव का नियम। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने दे दिया आपको 8 का पावर 6 / 8 का पावर 4। ठीक है, आपको क्या देखना है? हमेशा आपको बेस देखना है कि हमारा बेस हमेशा जो है वो सेम होना चाहिए। तो आप, हमारा बेस सेम है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का पावर 6 - 4 = 8 का पावर 2। आंसर आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल के पास। क्या दोस्तों? अगला रूल क्या दोस्तों हमारा? जब x का पावर m का होल पावर n दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है x, ये जो पावर होते हैं ये आपस में गुना हो जाते हैं। बट इसमें एक रूल और बनता है, जब भी आपको ये दिया होता है दोस्तों x का पावर m का पावर n, ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं करते इसको। इसका हम आपको एग्जांपल देकर के आपकी जो कंफ्यूजन यहां रहती है उसका कंफ्यूजन को आपको हम दूर करना चाहेंगे। जब भी x का पावर m का पावर n, यानी हम आपको दे देते हैं दोस्तों 3 का पावर 2 का पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 का पावर 2 × 3 = 3 का पावर 6 हो जाएगा। बट
आप अगर हम ऐसे दे आपको 3 का पावर 2 का पावर 3 तो इतना नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि 3 का पावर जो 2 है उसको 3 बार क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का पावर 8 हो जाएगा। आप यहाँ दोनों में अंतर देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर आपको अंतर समझ हो गया हो तो अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला रूल क्या हमारा, x का पावर m, जब भी इसको हमें बट्टा में लिखना होगा तो जो इसका ये पावर है यानी घात है ये ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी x का पावर m इज इक्वल टू x का पावर सॉरी 1/(x) x का पावर माइनस m हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी अगला रूल क्या हमारा, जब भी x का पावर माइनस m हो और इसको हमें पॉजिटिव में लिखना हो तो ये बट्टा में होने के बाद इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/(x) x का पावर m हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आई तो ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल क्या कहता है दोस्तों, जब भी अंडर रूट के अंदर एक्स हो तो जब भी इसको हम ये जो एन है इसको बाहर करते हैं तो ये हमेशा पावर जाकर के बट्टे में हो जाएगा, मतलब एक्स का पावर 1/(n) हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल क्या है दोस्तों, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई डिवाइडेड ए का पावर जेड। इसमें दो नियम लग रहे हैं, एक तो ये पहला नियम लग रहा है और ऊपर से दूसरा नियम लग रहा है। तो जब भी बेस क्या दोस्तों, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है दोस्तों, तो पावर जुड़ जाता है, यानी ए का पावर एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब ये डिवाइड में हो गया बट ये जो बेस है वो क्या दोस्तों, बेस सेम है तो माइनस जेड यानी ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का पावर एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। बात समझ में आई, ठीक है। अब अगला रूल क्या है हमारा दोस्तों, ए इंटू बी इंटू सी का होल पावर कितना दोस्तों, एक्स है। इसका मतलब वो इसमें जो तीनों के पावर एक्स हो जाएगा, मतलब कि ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स इंटू सी का पावर एक्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले रूल की, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू बी हो, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू बी हो, जब भी ये पावर इधर जाएगा तो ये पावर उधर जाकर के हमेशा बट्टे में हो जाएगा, यानी ए का पावर बी ए इज इक्वल टू बी का पावर 1/(x) हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल क्या है हमारा, x का पावर k इज इक्वल टू x का पावर r। अगर इसमें दोनों में बेस सेम हो, क्या सेम हो दोस्तों, बेस सेम हो और ये इक्वल टू में हो और जो इसका घात हो घात अलग अलग हो तो घात आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी k इज इक्वल टू r हो जाएगा, यानी ये k और ये r आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे, यानी k इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या है हमारा, x का पावर r इज इक्वल टू y का पावर r। इसमें आपको दो चीजें ध्यान देखनी है, पहली बात कि जो बेस हो वो बेस अलग अलग हो, क्या दोस्तों, बेस अलग अलग हो और जो ये बीच में किस चीज का साइन हो, तो बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो जो बेस होते हैं वो बेस आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी x इज इक्वल टू y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं अगले नियम की, जब x का पावर y हो, ठीक है दोस्तों, x का पावर y हो और ये माइनस m हो, किसमें हो दोस्तों, x का पावर y हो और माइनस m, यानी जो पावर हो ऋणात्मक क्यों हो, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए y/(x) यानी जो ये जो है इन चीजों को उलट देते हैं और तो जो पावर होगा वो हमारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप पूछते हैं कि सर ये पावर पॉजिटिव में कैसे हो जाए, तो जी हाँ बिल्कुल, हम आपको करके दिखाएंगे कि पावर पॉजिटिव में कैसे हो जाएगी, ठीक है। क्या दोस्तों, x का पावर y, x बटा में y का पावर क्या दोस्तों, माइनस m है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, दोनों के पावर में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x का पावर माइनस m बटा में y का पावर माइनस m। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि हमने जब भी पावर m हो अगर उसको हम बट्टे में कर दें तो उसका पावर किस में हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/(x) एक्स का पावर m इंटू में y का पावर m बटा में हुआ एक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर m बटा में x का पावर m हो जाएगा। अब चूंकि दोनों का पावर m है तो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं दोस्तों, y बटा में x का होल m। तो बस यही चीज यहां बताई गई आपको। अब हमारा अगला रूल क्या है हमारा, x का पावर 0 हो या फिर a का पावर 0 या किसी के भी पावर 0 हो,
अगर किसी भी संख्या का पावर 0 दिया हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कितना दोस्तों होता है? 1 होता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको कोई कोई नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी हम आपको एक्स का पावर 0 प्लस y का पावर 0 प्लस z का पावर 0 देकर के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? x का पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा आंसर? 3 हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। दोस्तों ये था हमारे घातांक के कुछ नियम। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।